दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा, और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से, और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस में 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पाटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारे की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है, इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती। और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है, जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा, और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से, और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस में 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पाटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं।
पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, सन बॉक्स ऑफिस 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, सन बॉक्स ऑफिस 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, सन बॉक्स ऑफिस 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, सन बॉक्स ऑफिस 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/6 की और रोटेन टमाटर सबसे 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, सन बॉक्स ऑफिस 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, सन बॉक्स ऑफिस 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है। जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की यह मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज के वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था और 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आई एम 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है, जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों एक बेहतरीन मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है योद्धा। तो दोस्तों इसी मूवी का आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे योद्धा मूवी से रिलेटेड। तो दोस्तों यदि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो उसी प्रकार की मूवी है। और योद्धा मूवी के डायरेक्टर हैं सागर अब्बास और पुष्कर ओझा और लिखा है सागर अब्बास ने। इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि खन्ना और दिशा पटानी। इस मूवी का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया था। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। योद्धा को दोस्तों रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से और इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन मूवी बढ़िया है। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ ही कमाए थे और इसकी टोटल लंबाई 130 मिनट की थी। उत्पादन की बात करें तो इस मूवी का उत्पादन फोटोग्राफी 27 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2021 को ऋषि खन्ना और दिशा पटनी को मुख्य प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया था घोषित किया गया था। और दिसंबर 2021 में पटानी ने शूटिंग के अपने हिस्से को शूट कर लिया था और बादशाह के लिए रैप गीत लिखा था। और मार्च 2022 में ऋषि खन्ना ने अपने हिस्से को पूरा कर लिया। बाद में तनुज वीरवानी को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। संगीत की बात करें फिल्म का संगीत तनिष्का बागची, विशाल मिश्रा, बी प्राक, आदित्य देव और जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने तैयार किया है, जबकि गीत मनोज
मुंतशिर जानी, कुणाल वर्मा और विशाल मिश्रा और कौशल किशोर ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक जिंदगी तेरे नाम 24 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक तेरे संग इश्क हुआ 7 मार्च को जारी किया गया था। योद्धा की कहानी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मिशन में असफल होने के बाद स्पेशल स्टाफ सोल्जर अरुण कल्याण जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा होते हैं को सस्पेंड कर दिया जाता है। चौंकाने वाले मोड़ में वह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अपहृत विमान में सवार होते हैं और वह देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, यही सब सस्पेंस आपको मूवी में देखने को मिलता है। कहानी अरुण कल्याण से शुरू होती है। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह उस व्यवस्था से बदला लेने के मिशन पर हैं जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। क्या अरुण देश का दुश्मन है या फिर अपने पिता जैसा देशभक्त, या सब जमीन से 15,000 फीट ऊपर एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सामने आता है। यानी प्लेन के अंदर ज़्यादातर फाइटिंग होती है। सागर अंबारी की पाठकथा दर्शकों को बांधे रखती है, उन्हें विमान के तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है जहां अधिकांश कार्रवाई होती है जबकि हवा में स्टंट रोमांचकारी हैं और फिल्म पूर्वानुमान और घिसे पिटे कथानक से ग्रस्त है जिसमें साहस और देशभक्ति के विषयों की खोज में गहराई का अभाव है। हालांकि फिल्म अच्छी तरह से संपादित की गई है इसलिए यह आपको रास्ते पर बनाए रखती है और कभी भी खींची हुई नहीं लगती और कथा के माध्यम से सूक्ष्म हास्य भी है और कुछ भारी भरकम संवाद है जैसे मैं रहूं ना रहूं देश रहेगा, लेकिन पाठकथा में हल्के फुल्के क्षण इसे संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कई जगह पे देख सकते हैं। इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर पायो रेंट करके देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली IMDb 10/6 की और रोटेन टमाटर की तरफ से 84% की रेटिंग मिली हुई है।